नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पुजश्मा। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन कुछ खास खबरों के साथ। भारत का धमाकेदार प्रदर्शन, 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही। एशियन गेम्स 2023 में रोशिबीना देवी ने वुशू में जीता सिल्वर मेडल। खालिस्तान का समर्थन करने वालों की संख्या बेहद कम, अमेरिकी बिजनेसमैन संत सिंह चटवाला का बड़ा बयान। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में पूर्व नाजी सैनिक का सम्मान करने पर मांगी माफी। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए 19,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे। बंगाल में टीएमसी के विरोध के लिए बीजेपी नेता सुवेंदु ने कांग्रेस नेता के साथ मंच किया साझा। राइस पुलर घोटाले में एनआरआई में 59 लाख की धोखाधड़ी। दक्षिण अमेरिका के रंगभेद विरोधी नेता अजीज पहाड़ का 82 वर्ष की आयु में निधन। महिला आरक्षण बिल पर महेश भट्ट बोले, ये आशा की पहली किरण। झांसी के चिड़गांव में 2 ट्रकों की भिड़ंत, 2 लोग जिंदा जले। नोएडा के वेदवन पार्क में आज से शुरू होगा लेजर लाइट शो। किसान यूनियन आज से पंजाब और हरियाणा में 3 दिन तक रेल रोकेंगे। 2007 में इंडिया का फ्लॉप शो चैपल, गांगुली के बीच विवाद, ग्रुप स्टेज से इंडिया हुई बाहर। रांची में धोनी का पोस्टर जलाया। 7 साल बाद भारत आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे स्क्वाड, आखिरी बार 2016 में आए थे। दिव्या खोसला कुमार हुई इमोशनल, यारिया 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। वायरल विंक गर्ल प्रिया प्रकाश कर रही बॉलीवुड से डेब्यू। शाहरुख बोले, डंकी की रिलीज डेट फिक्स। फैन से कहा, ये बात माथे पर गुदवा लो, 22 दिसंबर को रिलीज के लिए शेड्यूल है फिल्म। 2020 में भूषण को देख लेने की बात कही थी, 3 साल बाद सारे विवाद खत्म। सोनू निगम और टी सीरीज ने मिलाया हाथ। करिश्मा और तबू से रिप्लेस की गई थी रवीना टंडन। बोली, मेरे साथ लोगों ने खुलेआम पॉलिटिक्स की, गुटबाजी के चलते मैंने फिल्म गवाई। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों पर। साक्षी मलिक का विशाल कालीरमन पर ट्वीट, लिखा, इनका मकसद सिर्फ महिला पहलवानों पर कीचड़ उछालना है। एशियन गेम्स में पहलवान बजरंग पुनिया की बिना ट्रायल एंट्री का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब इस विवाद में पहलवान साक्षी मलिक भी मैदान में उतर चुकी हैं। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर पहलवान विशाल और उसके परिजनों पर निशाना साधा है। गुरुग्राम द्वारा सेक्टर 5 गोल चक्कर से कृष्णा चौक तक की सड़कें दोनों तरफ से 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक वाहनों के लिए बंद रहेंगी। इस सड़क पर गहरे सीवर का कार्य किया जाना है। 1 महीने तक सेक्टर 5 गोल चक्कर से कृष्णा चौक तक सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को प्रतिबंध किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा वैकल्पिक रूट निर्धारित किया जाएगा। पराली जलाने की घटनाओं ने फिर पकड़ी रफ्तार। हरियाणा नंबर 1 तो जानिए उत्तर प्रदेश का स्थान। रोकथाम के तमाम दावों के बावजूद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में इस बार भी पराली जलाई जा रही है। आलम यह है कि 15 से 26 सितंबर के मध्य यानी 11 दिनों में ही राज्यों में पराली जलाने की 31 घटनाएं रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। पराली का धुआं एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा को खराब कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई की शूटर शशांक के दोस्तों की तलाश में गोरखपुर पहुंची एनआईए। करीबियों से पूछताछ के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गोरखपुर कैंट के सिंघड़िया आदर्श नगर पहुंचकर गैंगस्टर गोल्डी बरार व लॉरेंस बिश्नोई के शूटर शशांक के बारे में पूछताछ की। उसके 2 दोस्तों ने मालवीय नगर के अमन व शमसुद्दीन से जानकारी लेने के बाद टीम कुशीनगर रवाना हो गई। टीम का मानना है कि पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ने के पहले शशांक 21 जून को गोरखपुर आया था और दोनों दोस्तों से मिला था। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में वकील के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के चलते बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के आह्वान पर जिला भर के तमाम वकीलों ने कार्य बंद कर दिया है। जिला बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को दूसरे दिन भी हड़ताल कर कामकाज ठप रखा गया है। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस तरह की घटना पर कड़ा एतराज जताया और मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेरा की आवास पर आज सुबह जलालाबाद पुलिस ने छापेमारी की। सुखपाल खेरा को हिरासत में ले लिया है। छापेमारी की सूचना खुद सुखपाल खेरा ने दी और बताया कि उनके खिलाफ चल रहे एक पुराने एनडीपीएस केस में यह छापेमारी की गई है। पुलिस टीम में 2 महिला कांस्टेबल भी हैं। राजस्थान में चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच चुनाव प्रभारी और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा हुई है। राजस्थान में 7 संसदीय क्षेत्रों की 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर बिश्नोई मतदाता निर्णायक भूमिका में है।
2025 तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अकेला भारत 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में 15% का योगदान कर रहा है। भारत ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है, जो काफी बड़ी बात है। मणिपुर में हिंसा के बीच बुधवार को अफसपा का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से अफसपा के तहत रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से घाटी की 19 पुलिस स्टेशनों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि 19 पुलिस स्टेशनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक में BJP और JDS का गठबंधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी की गृह मंत्री अमित शाह और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक के बाद दोनों पार्टियों में गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच JDS चीफ और देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने बुधवार को कहा कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से आग लगने की घटना सामने आई है। यह आग हवाई अड्डे के पास एक गोदाम में जोरदार विस्फोट के कारण लगी। अब आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति भी नियंत्रण में है। उज्बेकिस्तान के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। किसी के घायल होने या मौत की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। उत्तर कोरिया धीरे धीरे अपने कोरोना महामारी लॉकडाउन को समाप्त कर रहा है। किम जोंग उन सक्रिय रूप से मास्को और बीजिंग के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया अपने जनायक अलगावों से बाहर निकलने और वाशिंगटन के खिलाफ एकजुट मोर्चे में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। किम ने दुनिया को नए शीत में प्रवेश करने का संकेत दिया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने हाल ही में संपन्न जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि चुनाव अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। विशेष रूप से PMLN के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM सरकार ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। नेता किम जोंग उन ने मंगलवार और बुधवार को आयोजित राज्य पीपुल्स असेंबली की बैठक में कहा कि कोरिया की परमाणु बल निर्माण नीति को राज्य के बुनियादी कानून के रूप में स्थायी बना दिया गया है, जिसका किसी को भी उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। किम ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसने राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बेहतरीन खबरों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।